हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 5 मराठी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 5, नाम है डराओ डराओ। ओके, सो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है और इस पोएम को, इस कविता को गह पाटिल ने लिखा है। ये कवि है गह पाटिल, गणेश हरि पाटिल जी ने लिखा है। तो ये कविता बहुत ही सुंदर है, इसको आज हम समझेंगे। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। डराओ 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 का ओरता उगच राव। डराओ डराओ मतलब क्या होता है, जो मेंढक होता है वो कैसी आवाज निकालता है, डराओ डराओ का आवाज निकालता है। और कवि पूछ रहे से कि क्यों उगाच ओरड़ता राव, मतलब क्यों ऐसे ही चिल्ला रहा है तू। ठीक है, पत्ता तुमचा नवता काल कोठिनी आला सांगा नाव। पत्ता मतलब तुम्हारा कोई कल पता नहीं था, कल कहां से थे तुम। कोठिनी आला ने कोठुनी मतलब कहां से आए तुम। सांगा नाव नाम बताओ। धोधो पाउस पड़ला फार तुंडुम भरला पहा तलाव। धोधो मतलब बहुत तेज की बारिश हो रही थी, है ना, बहुत तेज बारिश हो रही थी। तुंडुम भरला पहा तलाव, तुंडुम मतलब कि काठों काट, एकदम तलाव के एकदम ऊपर तक ले पानी भर चुका है, एकदम ऊपर एकदम, है ना। भरला पहा तलाव, देखो तलाव पूरी तरह से भर गया, बारिश खूब हुई। शुरू जाली अमची नाव, शुरू जाली अमची नाव आणिक तुमची डराव डराव। और पूरा तालाब जो है, पूरी नदी है, वो क्या होगा, तालाब पूरी तरह से ऊपर तक भर चुका है, एकदम किनारे तक। और क्या हो गया, हम लोग की नाव चालू हो गई। हम लोग उसमें क्या करें, नाव बना करके, देखो यहाँ पे दिखाया ना, नाव बना करके क्या करें, हम उसमें डाल रहे हैं। और तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारा आवाज भी शुरू हो गया है ना। बटबटीत डोळ्यांचे ध्यान विचित्र तुमचे दिसते राव। बटबटीत ना, उनका जो आंख है, मेंढक का जो आंख होता है कैसा दिखता है, एकदम बटबटीत, एकदम बटन जैसा है ना, बड़े बड़े एकदम विचित्र दिखता है ना, देखो कैसा दिखता है, यस विचित्र दिखता है जानवर। ठीक है, सांगा तुमच्या मनात काय ही घ्या छत्री ही घ्या नाव। बताओ तुम्हारे मन में क्या है, ये लो छत्री ही घ्या नाव, ये लो छतरी और ये लो नाव। नाव मतलब क्या होता है, अपना जो हम खेलते हैं ना, बोट है ना, बोट जो ये देखो यहाँ पे खेल रहे हैं, जो कागज का बनाते हैं नाव, वो नाव कहते हैं ना, यस। जा गाठा जा अपुला गाव आनी थांबवा डराव डराव। जा जा गाठा मतलब क्या होता है, जहां पहुंचना है तो जा अपने गाँव, ठीक है, जहां तुझे जाना है तो अपने गाँव जा। आणि थांबवा डराव डराव, और ये डराव डराव की आवाज बंद कर। थांबवा मतलब, थांबवा मतलब रुकना, बंद करो अपनी आवाज को। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये पोएम बहुत इंटरेस्टिंग था। किसने लिखा है, गह पाटिल, गणेश हरि पाटिल जी ने लिखा है। दोस्तों कुछ शब्दार्थ भी दिए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तुंडुम भरने है ना, तुंडुम भरने क्या होता है, काठों काठ भरने, जो तालाब था वो एकदम बाहर तकले भर गया, पूरा इतना पानी भर गया कि वो बाहर तकले पानी आ रहा है उसके किनारे से। जाली, जाली मतलब झाली हो गया, ठीक है। आणिक मतलब आनी, और क्या, बटबटीत क्या होता है, बटबटी मतलब मोठाले, बड़े बड़े एकदम विद्रूप होते हैं ना, एकदम अलग, एकदम खराब गंदे टाइप में दिखने वाले, वही बड़े बड़े एकदम आंख। ध्यान विशिष्ट रूप है ना, एक विशिष्ट क्या है, ध्यान क्या है, एक विशिष्ट रूप होता है। गाठने पहुँचने, गाठने मतलब पहुँचना। अपुला मतलब अपना, आपला स्वतःचा खुद का, ये होता है अपुला। दोस्तों इसका क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, एका वाक्याचे उत्तर लिहा, है ना, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, एक वाक्य का उत्तर लिखिए। क्वेश्चन अ है, डराव डराव आवाज कौन करतो, जो डराव डराव की आवाज है वो कौन करता है। डराव डराव बेडूक कर तो, कौन कर रहा था आवाज, बेडूक ना, जो मेंढक था ये मेंढक क्या कर रहा था, डराव डराव की आवाज निकाल रहा था। ठीक है,
आ है तलाव का भरला, तलाव क्यों भर गया, तलाव तुंडुम भरला आहे, तलाव तुंडुम भरला आहे। ई क्वेश्चन नंबर ई है बेडकांचे डोळे कसे आहेत, जो मेंढक था जो फ्रॉग था उसकी जो आंख है वो कैसी है, बेडकाचे डोळे कसे आहेत, बेडकाचे डोळे बटबटीत आहेत, कसे आहे बटबटीत आहे मतलब बड़े बड़े हैं। प्रश्न दोन जोड़िया जुड़वा है ना, जोड़िया मिलाओ। दोस्तों अ गट दिया है ब गट दिया है, चार क्वेश्चन इसमें। जोराचा पाउस, जोर से जो बारिश होती है दोस्तों वो क्या होता है, धोधो पाउस मतलब बहुत तेजी से पाउस होता है ना, बारिश गिरती है उसको बोलते हैं धोधो पाउस। दोस्तों आपके स्कूल में टीचर्स अलग भी कर सकते हैं, जैसे कि ये जोड़िया मिला है ऐसे भी दे सकते हैं, या तो क्या बोलेंगे बीच में आंसर लिखने के लिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा ये यहाँ पे और बीच में इसका आंसर उत्तर लिखने के लिए हो सकता है, ठीक है। जैसे कि जोराचा पाउस बीच में उत्तर लिख करके धोधो पाउस ऐसे भी लिखने को आ सकता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी टीचर किस तरह लिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बेड़काचे मोठे डोळे है ना, जो जो बेड़ुक था जो मेंढक था उसके डोळे कैसे थे, बटबटीत डोळे होते, कैसे होते बटबटीत। तीसरा है पूर्ण भरलेला तलाव, पूर्ण भरलेला तलाव कैसा होता, तुंडुम भरला तलाव, कैसा दम तुंड वो एकदम काठोकाठ भरला होता एकदम वरती है ना, वरुण पानी जात होता। स्वतःच्या गावी परत जा है ना, स्वतःच्या गावी परत म्हणजे गाठा आपला गाव, ये जोड़िया इसको मिलेगी, ठीक है। प्रश्न तीन गोळातील शब्द वाचा चित्र ओळखा त्याचा योग जोड़ा जुड़वा, ये जो गोल है इसके अंदर जो लिखा है इसके बाहर जो चित्र है वो किससे मैच करता है, ये आपको जोड़िया जुलवाना है मतलब जोड़िया मिलाना है आपको, ठीक है। ये जो है थंडर है ना, बिजली कड़क रही है, ये क्या हो रहा है, ये जो बैंगल्स है चूड़ी है वो बज रही है, ये क्या है झरना होता है ना धबधबा वो पानी गिर रहा है, ये कॉइन्स है सिक्के नाणे है ना, ये क्या है कॉइन्स है, ये क्या है ढोलक, ये पेंजण है ना बज रहा है, और ये क्या है जो स्कूल में होते हैं ना घंटी वो है, तो आवाज कौन किसका कैसा आता है आपको उसके साथ मैच करना है। माँ आता अपन हाथ थंडर वीज, वीज चमकला ना कसा कड़कड़ है ना, वीज कसा चमकतो कड़कड़, ढोलक कसा वाजतो ढमढम असा दिला है ना, आणि पेंजण कसा यस छुमछुम वाजतो ना, पेंजण छुमछुम वाजतो है ना बरोबर, आणि हा घणघण वाजतो कसा वाजतो घणघण, ये जो तो कैसा बजता है घणघण बजता है, ये चूड़ी कैसी बजती है किणकिण है ना, ये किणकिण बजता है, ठीक है। और अपना झरना कैसे कब, झरना का पानी कैसे बहता है, झरना का पानी खलखल बहता है ना, तो ये आपका दोस्तों जोड़िया रहा। प्रश्न चौथा प्रश्न फोर पाण्यातून प्रवास करण्यासाठी कोणकोणती साधने वापरतात है ना, पाण्यातून जो ना अपन हम लोग पानी में ट्रैवल करते हैं तो हम किस किस साधन का ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों होड़ी, होड़ी मतलब नाव का इस्तेमाल करते हैं, और जहाज जो जो बड़ी शिप होती है उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं पानी में ट्रैवलिंग करने के लिए, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है पावसात भिजू नवे यासाठी तुम्ही काय काय वापरता, दोस्तों पांचवा क्वेश्चन ये है कि आप बारिश में नहीं भीगो इसीलिए आप किस किस चीज़ों का उपयोग करते हो, ठीक है। तो हम बारिश में ना भीगे इसलिए हम छतरी का इस्तेमाल करते हैं है ना, और रेनकोट का भी इस्तेमाल हम करते हैं। प्रश्न सहावा छठा प्रश्न क्या है, निरीक्षण करा आवाज सांगा वो लिहा, आपको ये देखना है और आवाज कैसा आता है वो लिखना है आपको, ठीक है। वाऱ्याने हलणाऱ्या झाडांचा पानांचा आवाज है ना, जो हवा से जो हिलने वाले झाड़ के पत्तों जो पेड़ होते हैं उसके पत्तों की आवाज कैसी होती है, सड़सड़ होती है ना सड़सड़। आ उड़ायला शुरुआत करता ना पक्षांचा पंखाचा आवाज, जो उड़ जब चिड़िया कोई बड़ी पक्षी उड़ती है, चिड़िया उड़ती है पक्षी उड़ता है, पक्षी उड़ता है तो उसके पंखों की आवाज कैसे आती है, फड़फड़ आवाज आती है, कैसे आती है फड़फड़। ई तापलेल्या तेलातील मोहरींचा आवाज, हाँ दोस्तों ये आप घर में देखोगे जब मम्मी खाना पकाती है तो जो मोहरी होता है, मोहरी मतलब क्या होता है तेल, गर्म तेल में क्या होता है
अपना जो मिर्ची वगैरह और अपना मसाला डालते हैं ना, मोहरी क्या बोलते हैं उसको, जीरा वगैरह, तो उसकी आवाज़ कैसी आती है, तड़ 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 आवाज़ आती है ना, तड़ तड़ आवाज़ आती है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न सातवा, छतरी चे चित्र काढ़ा अनि रंगवा, है ना। आपको छाते का क्या करना है, चित्र निकालना है और उसको कलर मारना है। ठीक है, एक अम्ब्रेला का आपको ड्राइंग करना है। वाचा लक्षा ठेवा, पढ़ो और ध्यान में रखो, है ना, बहुत इजी है। देखो इस जो पोएम था उसमें हमने पढ़ा था, नाव हा शब्द या कवितेन दोन अर्थानी आला है ना। पहले तो नाव पूछ रहा था और दूसरा बार नाव मतलब नाव की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे दो शब्द, नाव मतलब दो दो मीनिंग होता है। पहला नाव का मतलब दिया वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पक्षी यांचा दिलेले विशिष्ट नाव, कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो या प्राणी हो या पक्षी हो, किसी को एक पर्टिकुलर क्या हुआ नाम दिया गया, उसको कहते हैं नाव। ठीक है, और दूसरा जो नाव आया था वो किसके लिए था, होड़ी। होड़ी मतलब क्या होता है, यस, बोट के लिए बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं तक। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है।